अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व टेस्टी। आज हम टी बिस्किट खीर बनाएंगे। ये खीर सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही है, पर बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही झटपट भी बन जाती है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। इसके लिए मैंने लिया है 2.5 लीटर मिल्क। इसे वन बॉयल आने तक मैंने पका लिया है। जब वन बॉयल आ जाएगा हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हम मैंने इस स्पून से 8 स्पून ही चावल लिया है और उसे 2 से 3 घंटे के लिए भिगा दिया है। 2 से 3 घंटे के बाद भिगाकर मैंने पानी अभी ड्रेन किया है और फॉर इमीडिएट मैं इसे तोड़ रही हूँ। हमें हाथ से ही ये चावल को तोड़ना है, हमें इसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड नहीं करना है। आपको हाथ से ही इस तरीके से चूर लेंगे आप, क्योंकि इसका दाना थोड़ा मोटा मोटा होता है। इसके बाद हम चावल को दूध में ऐड करेंगे। आप जितना अच्छे तरीके से तोड़ सकते हैं उतने अच्छे तरीके से हाथ से चावल तोड़ लीजिए। उसके बाद आप इसे दूध में ऐड कर देंगे और दूध में जैसे ऐड करेंगे हम छोड़ेंगे नहीं, फौरी चमचा चला देंगे, क्योंकि हमारे चावल बहुत कच्चे हैं और मोटे मोटे हैं, इसलिए हमें लाजम है कि चमचा कैसा भी चलाएं आप, वरना ये लम फॉर्म में बन जाएंगे। फिर कंटिन्यूस चमचे चलाते रहेंगे। इसी तरीके से हमें 20 से 25 मिनट तक हमें इसे स्लो फ्लेम पे पकाते रहना है। 20 से 25 मिनट में ये अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से पक जाएंगे। 20-25 मिनट के बाद आप जब देख लेंगे कि आपके चावल अच्छे से गल गए हैं, तो हम थोड़ा सा इस तरीके से साइड में करते हुए हम थोड़ा सा मैश करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 4 से 5 मरतबा इस तरीके से मैश कर लें तो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी में फ़र्क आएगा। इसके बाद मैंने 3/4 कप शुगर डाला है और यह है, मैंने 4 से 5 इलायची लिया है, उसे 2 टेबल स्पून शुगर डाल के मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। शुगर डाल के इलायची ब्लेंड करने से इलायची बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाती है। इसके बाद हम इसमें थोड़े से नट्स डालेंगे, चमचा अच्छे से चला लेंगे। मैंने यहाँ पर 3/4 कप शुगर डाला है, आप चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1/2 कप फ्रेश क्रीम लिया है। क्रीम डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और स्टफ़ कर देंगे बंद। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है 2 छोटे पैक्स टी बिस्किट्स के। इसे हम ब्लेंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे, या फिर आप कोई जिप लॉक बैग में डाल के आप रोलिंग पिन से भी पाउडर कर सकते हैं। इसके बाद हम इस पाउडर को थोड़ा थोड़ा करके खीर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये जैसे ही डालेंगे आप इसे थोड़े से लम्स बनेंगे, आप इसे लम्स को तोड़ते हुए इसे अच्छे से स्मूथ बना लीजिए। आप यकीन मानिए, ये टी बिस्किट्स ऐड करने से आपकी खीर का टेक्सचर और टेस्ट इतना अच्छा हो जाएगा, आपको ज़रूर ट्राई करना है इसे। बहुत ही अच्छी खीर बनती है, बहुत मज़े की खीर बनती है। मेरे चैनल पे और 2 डिफरेंट खीर के रेसिपीज़ मौजूद हैं, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।